और इसके साथ ही मिट्टी में मिला दी गई शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति। ढाका में सिर्फ बांग्लादेश के संस्थापक की प्रतिमा ही जमींदोज नहीं की गई, बल्कि गिरा दी गई आमार शोनार बांग्ला की वो बुनियाद जिस पर बांग्लादेश खड़ा। अब बांग्लादेश हिंसक भीड़ के रहमोकरम पर ऐसा लग रहा है जैसे 1971 का बदला लिया जा रहा हो। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी बर्बरता से बांग्लादेश को आजाद कराने वालों का इतिहास चुन चुन कर मिटाया जा रहा। एक एक कर मुक्ति वाहिनी आंदोलन के प्रतीक नष्ट किए जा रहे, जिस पर कल तक बांग्लादेश गर्व किया करता था, जो पिछले 53 साल से इस देश की पहचान रही। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शायद इसका पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 45 मिनट के अल्टीमेटम पर अपना देश छोड़ दिया। सिर्फ 45 मिनट, और शेख हसीना ने ऐसा ही किया। उन्हें डर था कि जरा सी भी देरी यहाँ उनके और उनके परिवार को खतरे में डाल सकती है। हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री निवास से निकलने के बाद शेख हसीना एयरपोर्ट तक पहुंची, जहां से बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J हरक्यूलस एयरक्राफ्ट से भारत की तरफ रवाना हुआ। से ये साफ हो गया कि इसमें बांग्लादेश के कुछ फौजियों के साथ शेख हसीना सवार है। इसकी पुष्टि होते ही फौरन भारतीय फाइटर जेट राफेल ने शेख हसीना के जहाज की निगरबानी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसीमा में दाखिल होने के ठीक बाद पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से दो राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड में बांग्लादेश एयरफोर्स का C-130J हरक्यूलस एयरक्राफ्ट भारतीय राफेल के अभेद्य सुरक्षा घेरे में था। खुद इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। करीब शाम 5:45 बजे शेख हसीना का जहाज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ, जहाँ पहुंचकर खुद NSA अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात घंटे भर चली। इसके बाद दिल्ली में PM आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज यानी CCS की बैठक हुई, जिसमें पूरे हालात की समीक्षा की गई। अब सर्वदलीय बैठक में सरकार विपक्ष को बांग्लादेश संकट की पूरी जानकारी दे चुकी है या किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, इसको लेकर अटकलें तेज हैं। ये फैसला शेख हसीना को ही करना है। अब तो सिचुएशन बहुत कोई की हाथ में नहीं है। बांग्लादेश में सिचुएशन कंट्रोल सिर्फ शेख हसीना और आवामी लीग करे हैं। ये सरकार तो आवामी लीग को गिरफ्तार कर रहे हैं, आवामी लीग को इलेक्शन भी करके देंगे कि नहीं पता नहीं है।